पिथौरागढ़ नगर के शांत वातावरण में गुणवत्ता युक्त शिक्षा का प्रमुख संस्थान मानस एकेडमी पिथौरागढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ढांसुला तहसील के वाइब्रेट विलेज गुंजी में स्वदेश दर्शन योजना के तहत 32 करोड़ की योजनाओं का वर्चुअल रूप से शिलान्यास किया। रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सांसद अजय टम्टा, दर्जा मंत्री गणेश भंडारी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत, जिला महामंत्री राकेश देवलाल सहित तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। धारचूला क्षेत्र की महिलाएं वेशभूषा में आयोजन स्थल पर पहुंची थीं। इस अवसर पर सांसद अजय टम्टा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिथौरागढ़ जिले से विशेष लगाव है। पिछले वर्ष उन्होंने आदि कैलाश के दर्शन किए थे, इसके बाद उन्होंने इस क्षेत्र के विकास को अपनी प्राथमिकता में रखा है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत गुंजी में पर्यटकों, स्थानीय लोगों के लिए तमाम सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। इन योजनाओं के जरिए स्थानीय ग्रामीणों को अपने गांव में ही रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने इस दौरान अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का ब्यौरा भी मौजूद लोगों के सामने रखा। जिले को स्वदेश दर्शन 2 योजना में शामिल कर लिया गया है। इस योजना के तहत पिथौरागढ़ जनपद में 75 करोड़ की धनराशि खर्च की जाएगी। पहले चरण में 32 करोड़ के कार्य गुंजी में शिव धाम तैयार करने में खर्च होंगे। पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से योजनाओं का वर्चुअली शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सांसद अजय टम्टा ने स्वदेश दर्शन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बताया, आज कैलाश धाम के रूप में स्थापित किया जा रहा है और उसके लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई गई है, जिससे पूरी पर्यटन तीर्थयात्री ऐसे सारे लोग वहां आगमन आ करके लगातार इस क्षेत्र के अंदर भगवान शंकर के उस धाम का जा सकें। वहां जिस हर व्यक्ति की जाने की मंशा रहती है और इसी कालखंड के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ को ऑल वेदर रोड दे करके बड़ी सौगात दी और आज फिर एक भारी भरकम उस डबल लेन करने का काम भी आदि कैलाश तक चल रहा है, जिससे कि यात्रियों को सुविधा होगी और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद और सहयोग से ATR 19 और ATR 42 हमारा यहां से चार्टर्ड प्लेन जो यहां से लोगों को लेकर आएगा, लोगों तक जाएगा, लोग आएंगे, ऐसे पिथौरागढ़ की एयर कनेक्टिविटी पंतनगर और देहरादून और आने वाले समय के अंदर दिल्ली के लिए भी होगी। ये अपने आप में हम सब के लिए जो कैलाश धाम के लिए आने वाले लोग हैं, तीर्थयात्री हैं और आज भारी भरकम बजट दे करके इसमें और स्वदेश दर्शन 2 की शुभारंभ आज किया गया है। जिला अधिकारी रीना जोशी ने कहा कि स्वदेश दर्शन 2 योजना के पहले चरण में गुंजी में आवासीय सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से 75 करोड़ रुपए पिथौरागढ़ के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अंतर्गत हम लोग गुंजी में कैलाश धाम का विकास किया जा रहा है। इसके प्रथम चरण के अंतर्गत आज 32 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुई है। इसके अंतर्गत कैलाश धाम की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में यहाँ पर टूरिस्ट फैसिलिटी केंद्र और कुछ रहने की आवास की व्यवस्थाएं की जा रही हैं और टोटल 32 करोड़ का काम की आज शुरुआत होगी। कार्यक्रम में दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी, पूर्व पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत, भाजपा जिला महामंत्री राकेश देवलाल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष कोमल मेहता आदि मौजूद रहे। मुनस्यारी के तल्ला जोहार के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उज्ज्वला गैस और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ जरूरतमंदों को दिलाने की मांग को लेकर सहायक खाद्य निरीक्षक के माध्यम से जिला आपूर्ति अधिकारी को ज्ञापन भेजा, किंतु तल्ला जोहार के विभिन्न गाँवों कुछ तथाकथित एजेंडे द्वारा या कहें हम विभाग की मिली भगत द्वारा उनसे पैसा वसूला जा रहा है। नंबर 1 नंबर 2 बात, तल्ला जोहार के कई गाँव में जो प्रतिमाह प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत 2028 तक मुफ्त राशन आना है, उसमें प्रतिमाह लाभार्थियों को राशन नहीं मिल पा रहा है, जिससे गरीब जनता के आगे भुखमरी का संकट मंडरा रहा है। यही इन दोनों मांगों को दुरुस्त करने के लिए हम आज महोदय के माध्यम से जिला आपूर्ति निरीक्षक को एक ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने शीघ्र मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस मौके पर जिला प्रवक्ता प्रहलाद राम, लक्ष्मण महर, हीरा सिंह मेहता, कुंवर राम,
भवान सिंह आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में पहली बार एशियन स्कूल लेकर आ गया है। AI लर्निंग और 5G प्ले ग्रुप, एकेडेमिक लर्निंग के साथ साथ स्पोर्ट्स, इनोवेटिव करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और भी बहुत कुछ। अब वसंत पंचमी से हर एडमिशन होगा बिल्कुल फ्री, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें एशियन स्कूल पिथौरागढ़। आगामी लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के दिशा निर्देशन में चप्पे चप्पे पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध तरीके से धन ले जाने वाले व अराजक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने हेतु SST व FST टीमें गठित कर ली गई हैं। SST टीम में चारों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 12 चेक पोस्टों में 48 पुलिसकर्मी व 24 होमगार्ड नियुक्त किए गए हैं, जो दो पालियों में 24 घंटे चेकिंग पर रहेंगे। FST टीम में भी इतने ही कार्मिक तैनात किए गए हैं। प्रत्येक टीम के साथ जिला प्रशासन से एक एक सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही टीमें सक्रिय हो जाएंगी। पुलिस उपाधीक्षक पिथौरागढ़ परवेज अली ने दोनों टीम के अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।